कैसे हैं आप लोग। सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की कंट्रोवर्सी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसमें अभी तक बहुत ही ज़्यादा पंगे हो चुके हैं। लोग एक दूसरे को हेट करने लगे हैं। क्या कुछ हुआ था, कहाँ से ये स्टार्ट हुई थी कंट्रोवर्सी और अब तक क्या क्या हुआ है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। साथ में कुछ शॉर्ट वीडियो क्लिप्स भी दिखाता जाऊँगा। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो गाइस ये स्टार्ट फाइट स्टार्ट होती है गाइस एलविश यादव की एक वीडियो से, जहाँ एलविश यादव ने टिकटॉकर्स को रोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कुछ बड़े टिकटॉकर्स को भी रोस्ट कर दिया था। तो गाइज वो वीडियो कौन सी थी, मैं आपको उसकी कुछ शॉर्ट क्लिप दिखाता हूँ। तो गाइज देखिए इस शॉर्ट क्लिप को पहले। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे, होप करता हूँ सब लोग बढ़िया हैं और अपने अपने घरों में मौज ले रहे हैं। तो जैसा कि आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मेरे टिकटॉक पे देखा होगा कि मैं एक एक करके नहीं, मतलब कई बार बहुत सारों को लपेट लेता हूँ, बट कई बार एक आधो को कि टिकटॉकरों का रोस्ट कर रहा हूँ। मतलब ये मत समझना कि मैं इनको हेट करता हूँ, बस मेरे हिसाब में अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, अपना व्यू रख रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जो जो कूड़ा टिकटॉक पर भर रखा है मैं उनको आप लोगों के सामने लाऊं। और आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इनको फॉलो करते हो, जो इनको फ़ैन होगा, जो इनको टिकटॉक स्टार समझता होगा, उनको छोटी सी बात कहनी है, जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जिस टिकटॉक पर मुजरा करने वाले को तुम स्टार समझ रहे हो उसे बावली गैंड कहते हैं। सो गाइज ये थी एलविश यादव वीडियो की शॉर्ट क्लिप, जिसमें उन्होंने टिकटॉकर्स को रोस्ट किया था। उसमें एक टिकटॉकर थे रिवॉल्वर रानी। तो गाइज उन्होंने भी इस वीडियो को देखने के बाद IGTV में अपनी एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एलविश यादव ने गर्ल्स की बॉडी शेमिंग की है। इस पर ही फिर उसके बाद इस वीडियो IGTV वीडियो के बाद गाइज लक्ष्य चौधरी की वीडियो आ जाती है, जिसका नाम था टिकटॉक एक कैंसर। तो गाइज वो वीडियो आने के बाद गाइज अपने मॉस्को बॉय आते हैं IGTV में, एक वीडियो डालते हैं जिस पर वो जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को टैग करते हैं और उन यूट्यूबर्स को काफ़ी बुरा भला कहते हैं और उन यूट्यूबर्स के कंटेंट को क्रिंजी कंटेंट तक बोल देते हैं। तो गाइज वो एक वीडियो को देख लीजिए गाइज आप। बात करेंगे तो आइए शुरू करते हैं। और गाइज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को किसी से कोई हेट नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे को आप लोग के पॉइंट्स अच्छे नहीं लगे तो मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है कंटेंट। आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज। यार हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूं ये बात। और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है, क्योंकि आप हमारे ही वीडियोज लेके हमारे ही वीडियोज से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो, तो आपका कंटेंट तो क्रिंज x100 हो गया। सो गाइज ये थी आमिर सिद्दीकी की IGTV वीडियो, जिस पर उन्होंने यूट्यूबर्स को काफ़ी कुछ कहा, उनके कंटेंट को क्रिंज x100 कहा। सो गाइज इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे यूट्यूबर, जो भी यूट्यूबर्स थे छोटे हो चाहे बड़े, वो सारे भड़क गए और उन सब ने टिकटॉक को रोस्ट करना स्टार्ट किया था। उनमें से एक रोस्ट निकल के आया था कैरी मिनाटी का, जो कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पर रोस्ट था, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोस्ट चला। गाइज उस रोस्ट को आप थोड़ा सा देख लीजिए कौन सा वो रोस्ट था, अगर आपने नहीं देखा है तो। सही बोल रहा है भाई। ए तू आर्टिस्ट है? जी जी जी। बेटी चोद सही से करियो, मजा आना चाहिए और शो खत्म होने के बाद मुझे पूरा हिसाब क्लियर चाहिए। तो कैसे हैं आप लोग, आज मैं वापस उस शानदार ऐप के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी चूतिया ब्रीड हो तुम स्टार बन सकते हो, जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे दो पैर है या चार तुम स्टार बन सकते हो, जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा स्वाद खट्टा या मीठा तुम स्टार बन सकते हो। टिकटॉक 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 मेरी नाक का वो चूहा है जिसे मैं कितना ही सिनक लूं बाहर आने को राजी नहीं है, साले को उंगली देख के बाहर निकालना पड़ता है। देखो ये एक बहुत ही अजीब वक्त है, सब घर में बंद पड़े हैं और दुनिया की फटी हुई है, लेकिन इस वक्त में भी कुछ टिकटॉक की बेटियां जिन्हें जबरदस्ती पंगे लेने की चुल मच रही है। अब देखो मुझे कोई शौक नहीं है इनमें बार बार माथा फोड़ने का, लेकिन जब खुद ही कोई झुक के खड़ा हो तो मैं इतना शरीफ नहीं हूँ कि कुछ ना करूं। इससे मिलो, ये है प्रोफेशनल टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी, इसने ना यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ बोला है, तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। सो गाइज ये थी कैरी मिनाटी की यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वीडियो, जिसने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए थे। जस्ट इस वीडियो को आने के बाद गाइज आमिर सिद्दीकी एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें यूट्यूबर्स से वो माफी मांगते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो उस वीडियो क्लिप को आप गाइज देख लीजिए थोड़ा सा। कैरी मिनाटी रोस्टेड आमिर सिद्दीकी, आपने सब लोग ने ये वीडियो देखा, मैंने भी ये वीडियो देखा, मैंने बहुत स्पोर्टिंगली लिया, बट क्या किसी को पता है कैरी मिनाटी ने ये रोस्ट क्यों किया, क्यों मैंने वो IGTV वीडियो बनाया था, क्यों मैंने वो IGTV वीडियो डिलीट किया, क्यों मैंने वो IGTV वीडियो के अंदर बड़े बड़े रोस्टर्स लोग को टैग किया, मेंशन किया।
और वीडियो चालू करने के पहले मैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ गाइज। ये टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब का जो मसला चल रहा है, मैं इसको बढ़ाने के लिए नहीं, इसको ख़त्म करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और सेकंड चीज़, मेरी जो पुरानी IGTV वीडियो में मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, तो वो गलतियों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरे को सारे यूट्यूबर्स को नहीं बोलना चाहिए था मेरे को। सो गाइज, ये थी अपने मॉस्को बॉय की माफ़ी मांगने वाली एक शॉर्ट क्लिप। फिर गाइज, इस शॉर्ट क्लिप के बाद गाइज आमिर सिद्दीकी और अदनान 07 की कॉल रिकॉर्डिंग लीक होती है, जिसमें गाइज उन्होंने काफ़ी कुछ उल्टा सीधा कैरी मिनाटी को और एमिनमे बंटाई को भी कहा है। वो कॉल रिकॉर्डिंग आप गाइज सुन लीजिए, दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए गाइज। उसके बाद गाइज आप नीचे कमेंट करके बताइए कि गाइज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये बंटाई मतलब आज मेरी भजी है तो तुम लोग मजे ले रहे लेना। सही है ले लो मजे ले लो, दोस्त लोग ही है तुम लोग, दोस्त लोग मजे नहीं लेंगे तो कौन लेगा। जोक्स अपार्ट, लेकिन जैसा तुम लोग ने बोले कि वो कैरी है, तो भाई कोई भगवान नहीं है, कैरी मिनाटी है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है। 6 साल मेहनत किया है तो आज उसका नाम हुआ है, अपन 1 साल में मेहनत करके इतना है। बट इसकी बहन की चूत, अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन। और बाकी रमज़ान था, इसके लिए चुप बैठा था, गाली गलौज नहीं कर रहा था, लेकिन अब करूँगा मैं रमज़ान के बाद, जो ट्रैक रेडी कर रहा हूँ ना उसके लिए। तो ये भड़वे को बताऊँगा मैं कि भोसड़ी के तू गाली जो दे रहा है ना, वो गाली में PhD करके बैठे हम लोग ने, तो इसके कान से खून निकाल के इसकी नई माँ छुदाना। मेरा नाम आमिर नहीं, वीडियो में पॉइंट देने ही नहीं वाला हूँ ना, सिर्फ गाली दे रहा हूँ ना मैं भड़वे को, उसको तो ऐसी ऐसी गाली दूंगा ना बंटा है, उसको तो मैं सीधा यही बोलने वाला हूँ, तेरी माँ को क्या कुत्ते ने चोदा था क्या, जो तू कुत्ते की तरह भोंकते रहता है यहाँ पे यूट्यूब पे भड़वे। और फिर ये एक पॉइंट हो गया, फिर एक पॉइंट रहेगा कि कैरी मिनाटी सोच, कल को तेरे बच्चे जब स्कूल जाएंगे और टीचर पूछेगी कि तेरा बाप क्या करता है, तो तेरा बच्चा टीचर को क्या बोलेगा कि लोगों की माँ चोदता है और गाली गलौज करता है मेरा बाप। ये ऐसे रहेंगे, बहुत कुछ रहेगा सीन्स। छोटा मोटा गेम नहीं करने का। कैरी की वीडियो और लक्ष्य की वीडियो दोनों उड़ गई है, अभी और काम चालू। एक बार और सुन सकते हैं आप। छोटा मोटा गेम नहीं करने का। कैरी की वीडियो और लक्ष्य की वीडियो दोनों उड़ गई है, अभी और काम चालू। सो गाइज, ये थी आमिर सिद्दीकी और अदनान 07 की कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें उन्होंने कैरी मिनाटी को काफ़ी उल्टा सीधा बोला है, एमिनमे बंटाई को काफ़ी उल्टा सीधा बोला है, गाली तक दी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ गाइज, इस पर इसके बाद कैरी मिनाटी की वीडियो यूट्यूब वर्सेज टिकटॉक डिलीट हो चुकी थी, तो गाइज इसके बाद कैरी मिनाटी का रिएक्शन क्या कुछ रहा वो आप एक शॉर्ट क्लिप में देख लीजिए गाइज। तो कैसे हैं आप लोग, आज मैं वापस उस शानदार ऐप के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी। ऐसे तो काम नहीं करती यार दुनिया। कम्युनिटी गाइडलाइन को लगे अभी 12 घंटे हो चुके हैं, 12 घंटे हो चुके हैं, मैं कल रात से सोया नहीं हूँ, थोड़े हाथ पैर भी कांप रहे हैं, बट अब पता नहीं, ऐसे मोमेंट्स आई थिंक सबके साथ कभी ना कभी आए होंगे, जब बिल्कुल ऐसे ना कि फट गई। अगर वो छाती फाड़ के गया तो साला आज तक कोई गलत काम नहीं किया मैंने। कैरी रोस्ट करता है, कैरी बहुत जोर से रोस्ट करता है यार, और कैरी रोस्ट करेगा। सो गाइज, ये कुछ हुआ कैरी मिनाटी के साथ वीडियो डिलीट होने के बाद, जिसके तुरंत बाद उन्होंने यलगार वीडियो के यलगार का अपना टीज़र रिलीज़ कर दिया, और कुछ ही दिनों बाद यलगार के अपनी वीडियो भी रिलीज़ कर दी, जिस पे काफ़ी सारे रिकॉर्ड बन गए, बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत सारा प्यार दिया, लाइक्स व्यूज़ कमेंट्स के सारे रिकॉर्ड कैरी मिनाटी ने अपने नाम कर लिए हैं। फिर भी गाइज ये कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके बाद कुणाल कामरा ने गाइज इसको कॉपीड कंटेंट तक बोल दिया है,
बहुत सारे लोगों ने इसको कॉपी कंटेंट बनाया है और कैरी मिनाटी पर भी बहुत सारे लोग रोस्ट कर रहे हैं। तो गाइज इसके बाद कैरी मिनाटी ने क्या रिएक्शन दिया वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज कैरी मिनाटी ने साफ साफ कह दिया कि मुझे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि इन सब ड्रामा के बीच कैरी मिनाटी ने अपना गोल्डन डायमंड प्ले बटन ले लिया है। गाइज यूट्यूब की तरफ से उनके पास डायमंड प्ले बटन आ चुका है। साथ ही साथ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि गाइज अब ये इस कंट्रोवर्सी ख़त्म कर देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि गाइज बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे को हेट करते जा रहे हैं। बट गाइज जो हेट है वो नहीं देना चाहिए, गाइज इस कंट्रोवर्सी को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो गाइज आपका मानना क्या है नीचे कमेंट करके बताएं, और गाइज वीडियो को लाइक कर दें, फटाफट से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कम से कम गाइज इस वीडियो में 200 लाइक्स तो आने चाहिए, और मुझे पता है आप लोग इस वीडियो में 200 लाइक्स तो गाइज कर ही दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।